देखिए ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। देखिए ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहां पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहां की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए वो हम सब पे पड़ेगा, टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए, ये नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है, मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इसे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डाले और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो।